वेलकम टू स्टडी पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझने के हिसाब से है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये वाकई में समझने के लिए क्वेश्चन है मेरे पास। जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फिर उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। आपसे कह रहा फिगर 12.26 डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हूज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो क्या कह रहा है। ये हमारे पास रेसिंग ट्रैक है प्लीज ध्यान से। ये आपके पास रेसिंग ट्रैक्स है। आपसे क्या कह रहा है हुज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कुलर द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। जो आपके पास इनर लाइन सेगमेंट्स हैं इनर दीज आर द डिस्टेंस इज 60 मीटर। दिस डिस्टेंस ठीक है सर। प्लीज डू योर वर्क। And they are each 106 meter long. ये जो आपके पास वो है लाइन सेगमेंट्स हैं ये 106 meter long है। ठीक है सर। आपसे क्या कह रहा है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। जो ट्रैक है एवरीवेयर इट्स इज सेम। ये जो हमारे पास है प्लीज ध्यान से देख लीजिए ये 10 है ये 10 है एवरीवेयर द लेंथ इज 10। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब इसमें से देखेंगे क्या क्या हमें चाहिए। आपसे कह रहे द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो आपके पास इनर एज है ठीक है सर। अगर हम बात करें ये हमारी इनर एज है प्लीज ध्यान से देख लीजिए। इसकी लेंथ निकालनी फाइंड द लेंथ ऑफ इनर ट्रैक ये निकाल। तो समझ में आया कि चाहिए क्या हमें। अब ये तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लिखी है। अब मेरे पास है क्या क्या मैं उसमें से लिखने की कोशिश करता हूं। आओ सर ये हमारे पास है ए बी सी डी ठीक है सर ई एफ ठीक है जी एच। हमारे पास क्या है हमारे पास लाइंस हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ई जी इज इक्वल्स टू एफ एच इज 106 मीटर। ठीक है सर। बेसिकली यहां दो चीजें हैं। एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर और एक है हमारे पास सर्कुलर। समझ रहे हैं। एक तो क्या है रेक्टेंगुलर और एक है सर्कुलर। तो दोनों की जब तक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी आप नहीं निकाल पाओ। उसके डायमेंशंस फिर चाहे लेंथ निकलवाए चाहे एरिया निकलवाए सब निकाल दो। तो पहले आप उनके डायमेंशंस निकाल लो। तो यहां जो रेक्टेंगुलर पार्ट था उसकी लेंथ आ गई। तो अगर उसका ब्रेथ आप देखेंगे तो ब्रेथ क्या है एडी एडी बी सी ई एफ जी एच कितना है सर। तो ये तो हो गया रेक्टेंगुलर वाला पार्ट। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इनर ट्रैक चाहिए क्या चाहिए इनर ट्रैक तो इनर ट्रैक में मुझे ये चाहिए कितना है ये 106 और ये चाहिए 106 और मुझे ये चाहिए ये क्या है सर ये सर्कमफ्रेंस है। क्या है सर्कमफ्रेंस किसका सेमी सर्किल का। तो सेमी सर्किल का मुझे क्या चाहिए रेडियस। अब अगर मुझे अभी करेंगे कितना है अब अगर मुझे इसके बारे में चाहिए तो फिर मुझे रेडियस चाहिए। लेकिन अब रेडियस किसका चाहिए इसका। सर समझ में आ गया। तो अब हमें दो हमारे पास हो गए एक इनर सेमी सर्किल एक आउटर सेमी सर्किल। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालो। जब आपके पास एक बार डायमेंशंस आ जाएंगे जो जो फिगर में इन्वॉल्व है आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन निकालो। तो अब आपके पास क्या है इनर सेमी सर्किल क्या है भाई इनर सेमी सर्किल ठीक है सर। तो उसका रेडियस
उसका रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ 60, यस और नो? भाई आपका ये डायमीटर हो गया ना उसका, उसने इनर कहा था, इनर एज का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 मीटर, तो 60 का हाफ 30, तो स्मॉल रेडियस ले लिया हमने 30. अब आपके पास हो गया आउटर, ठीक है भाई, आउटर सेमी सर्कल, ठीक है सर, उसका रेडियस प्लीज ध्यान से देखिए आप सब बच्चे, कि ये मेरा रेडियस का सेंटर है, तो ये मेरा इनर रेडियस है, इसमें ये और ऐड कर दीजिए, तो 30 प्लस 10, तो ये मैंने लिया है स्मॉल आर और ये मैंने लिया है क्या? आ गया सर समझ में? अब आपसे सिर्फ लेंथ निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, तो लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, ठीक है भाई, तो क्या आएगा बेटे आपके पास आएगा सी डी प्लस ई जी प्लस ट्वाइस, है ना भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल, क्योंकि रेडियस सेम है तो दोनों सेमी सर्कल सेम है, तो उसका डबल कर दिया, क्या कर दिया आप, करने को तो यहां भी डबल ही करोगे, सी डी प्लस ई जी, तो ये कितना है, ये आपके पास 106 प्लस 106, है ना भाई, प्लस ट्वाइस, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, पाई कितना है सर, रेडियस कितना है सर 30, 30 का स्क्वायर नहीं 30 तो आना 2 पाई आर ही आना, 2 पाई आर कितना 30, लेकिन सेमी सर्किल है तो क्या करोगे, क्या करोगे, ये ध्यान रखना हर जगह के भाई, आप कैलकुलेशन से बात समझ आ गई, आपके पास आएगा 2 पाई आर, उसका हाफ उसका डबल, तो एक सर्किल हो जाना है, क्या हो जाना है पूरा सर, ये बस, तो कितना हो गया 106 212, यहां से कितना आया भाई, ठीक है, आप अगर सॉल्व करेंगे 60 और ये कितना हो रहा है 44 और 3, 44 3 जा कितना हो गया जी 132, है ना भाई, 44 3 जा 132 बाई 7, है ना, ठीक है सर, डेसिमल में आ जाएगा आपके पास 7 1 जा 7, ठीक है, ये आ जाएगा 6, 7 8 जा 56, फिर 6 फिर 7 8 जा 56, फिर 4 7 5 जा 35 समथिंग, तो 212 प्लस 188 कितना हो गया भाई 88 और 12 पूरा 100 हो जाएगा, तो 400.5 मीटर समथिंग, ये हमारा आंसर, ठीक है सर, तो आपका जो इनर ट्रैक है उसकी लेंथ इतनी आएगी, क्लियर है, नोट करो जल्दी से. सर डन? अब अगर आपको ये फिगर्स और डायमेंशंस बेटा समझ में आ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रैक, क्या कह रहा है सर, तो एरिया ऑफ ट्रैक में शायद में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हाँ सर हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्रैक हमसे कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रैक जो होगा हमारे पास होगा, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, दो पार्ट में होगा, एक तो रेक्टेंगुलर पार्ट एक सर्कुलर पार्ट, ठीक है सर, तो आपके पास क्या होगा एरिया ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्ट, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, अब जरा ध्यान से देखें, रेक्टेंगुलर पार्ट होगा लेंथ हो गई 106, लेंथ कितनी है भाई, और ब्रेथ हो गया सर 10, इसका हो जाएगा सर डबल, इसका क्या हो जाएगा double. जो आपके पास यहां है बेटा एरिया रेक्टेंगल का, यही एरिया ये, तो इसका हो गया डबल, अब आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है ये एरिया, है ना सर, और ये एरिया कैसे आएगा, आप हाफ आउटर सेमी सर्कल से इनर सेमी सर्कल माइनस कर दीजिए और उसका कर दीजिए डबल, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल, प्लीज ध्यान से देख लीजिए हाफ, ठीक है 22/7, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, आउटर रेडियस 40 है भाई, 40 का स्क्वायर आउटर माइनस हाफ
22 by 7 इनर रेडियस है 30 इसका स्क्वायर, तो ये तो एक पार्ट हुआ, इसका क्या करोगे आप? सर यहां तक सही है, आपसे क्या कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, दोनों सर्किल सेमी सर्किल है, तो आउटर सेमी सर्किल माइनस इनर सेमी सर्किल, ये हमारे पास हो गया। अब यहां से देखो कितना आ रहा बेटा, ये तो हो गया 212 और जीरो लगा दो, यहां से आप क्या कर लो भाई, यहां से आप 2 और 1 बाई 2 कॉमन ले लो और 22 बाई 7 भी कॉमन ले लो, यस और नो? अब जरा यहां देखो आपके पास क्या बचेगा, 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। चलो जी, ये इंटरेस्ट की बात है, माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप शायद पहली दूसरी बार ही कोई बच्चा जो पीछे से आ गया है, रिजवान साहब आ गया है माशाल्लाह, आप शारिफ है जी, नंबरदार साहब है जी, मलिक साहब आ गया है, तो ये शौक है कि चलो समझ में आया पढ़ लें, वरना कुछ बैठे हैं वहीं जमे में फिर पानी पीने चले जाते हैं पीछे पीछे, है जी? ठीक है जी, चलो सर कोई बात नहीं। अब मैं आपसे जैसे बताता हूँ कैलकुलेशन, बेटे मैं यहाँ से आके छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगे, आप कोना पकड़ के वहां कैलकुलेट करते रहिए, करते हो ना आप लोग कोने पे जाके, फिर वहां के मर्जी आप। तो आपके पास बचेगा कौन भाई? खालिद, 40 स्क्वायर और तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई, ए प्लस बी, तो 40 प्लस 30 क्या हो जाएगा और 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा, ठीक है जी? तब आप क्या करोगे, 2 से आप कैंसिल कर दो इसे और 7 से आप कैंसिल कर दो इसे, तो 2200 हो गया, कितना हो गया, तो यहां हमारे पास आया था 2120 और यहां से आ गया 2200, आ गया ना बेटा? तो कितना आ गया भाई, जीरो तो आ ही गया और टू फिर टू आ गया है ना भाई, फिर थ्री आ गया। चलो जी मुबारक, ये आंसर। मेन पार्ट फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन सिर्फ हम प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं कि कितनी बार हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें याद हो जाए, अदरवाइज हर क्वेश्चन में बेटे क्या फिगर है उसमें कौन कौन से फिगर्स यूज हुए, सर्कल रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल ठीक है, सेक्टर सेगमेंट, उनके डायमेंशंस क्या हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे ये चीज है। जब तक आपको डायमेंशंस नहीं होंगे तब तक आप फॉर्मूला भी नहीं, फॉर्मूले में रख भी नहीं पाओगे, फॉर्मूला चाहे आता भी, तो पहले ये पार्ट देन फॉर्मूला देन एप्लीकेशन, नॉट क्लोज दिस। शाबाश, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, मतलब समझने के हिसाब से कि हो क्या रहा है।